हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर प्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 ऑफ क्लास 10। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, इसका ये तीसरा वीडियो है बच्चों। और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। तो अलग अलग फूड कंपोनेंट्स से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे मिलती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बॉडी के हिसाब से, और आपको बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। हमने पढ़ा है कि वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे तैयार होती है एटीपी के फॉर्म में, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आज के वीडियो में प्रोटीन और लिपिड्स जो है, इससे भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी तैयार होती है, एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। और इसके साथ साथ प्रोटीन और लिपिड्स का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। विटामिन जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और विटामिन्स की हमारे बॉडी को क्यों जरूरत होती है, और विटामिन का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है, इसके बारे में भी हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। उसके साथ साथ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। और फाइबर्स जो है, हमारे खाने में फाइबर्स का समावेश होना चाहिए, हमारा खाना जो हम खाते हैं उसमें फाइबर्स होने चाहिए, तो फाइबर्स का क्या इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। तो इसमें जो पहला फूड कंपोनेंट है प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो प्रोटीन्स का क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो है एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे बॉडी के अंदर, दे आर स्टोर्ड इन द मसल्स एंड लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट यानी कि डाइजेशन में हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर होता है, कोई जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है सभी डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है ग्लूकोज। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से हमें बॉडी में एनर्जी तैयार होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है इसका कन्वर्शन होता है ग्लाइकोजन के अंदर, और ये जो ग्लाइकोजन है हमारे लीवर और मसल सेल में स्टोर रहते हैं, और जब हमें एनर्जी की इंस्टेंट जरूरत है उस समय इस ग्लाइकोजन का ट्रांसफॉर्मेशन फिर से ग्लूकोज के अंदर होता है, और जिससे एनर्जी हमारे बॉडी में तैयार होती है। तो बच्चों हमें तो आज प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है इस पार्ट में। तो प्रोटीन्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन्स के सोर्सेस क्या क्या है, किस फूड आइटम्स से हमारे बॉडी में के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और जिससे हमारे बॉडी को प्रोटीन्स मिलते हैं। दीज आर द फूड आइटम्स मेनली द सीरल्स, तो सीरल्स जो होते हैं पल्सेस जो होते हैं, तो पल्सेस से हमें हमारे बॉडी को क्या मिलती है, प्रोटीन। पल्सेस, ऑल पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर द वेजिटेरियंस, जिसमें चना है, मूंग है, और सभी दालें जो है, तो सभी दालों के अंदर प्रोटीन्स विपुल मात्रा में होता है, एंड स्प्राउट्स ऑल्सो कंटेन्स द प्रोटीन। और उसके साथ साथ एग्स, फिश एंड मीट ऑल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होते हैं। तो बच्चों प्रोटीन जो है, What are they made of? तो प्रोटीन किससे बनते हैं बच्चों, तो प्रोटीन्स आर मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स किससे बनते हैं बच्चों, प्रोटीन्स आर मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज के अंदर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वैसे ही जो भी प्रोटीन्स हम खाने में खाते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अमाइनो एसिड में हो जाता है। तो प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड से बनते हैं। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द बॉन्डिंग टूगेदर मेनी अमाइनो एसिड्स, तो देयर आर नियर अबाउट 20 अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स है, और 20 अमाइनो एसिड से अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो है वो तैयार होते हैं। तो जो प्रोटीन्स हम खाने में खाते हैं वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में, बॉडी को कोई भी उसका उपयोग नहीं होता है, तो हमारे बॉडी को जो प्रोटीन्स लगते हैं वो प्रोटीन्स खुद हमारे सेल के अंदर तैयार होते हैं। तो बच्चों प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, तो एनिमल प्रोटीन जो होता है उसे कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन वी गेट द 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी,
तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जैसे कि 1 कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन्स होता है, दिस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द अमाइनो एसिड्स बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दोज अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू द ईच एंड एवरी ऑर्गन्स एंड सेल ऑफ द बॉडी वाय द ब्लड। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन डाइजेस्टिव सिस्टम अमाइनो एसिड में करते हैं, और वो अमाइनो एसिड फिर ब्लड में एब्सॉर्ब होता है, और ब्लड इस अमाइनो एसिड को हर एक सेल तक और बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, एंड फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड द सेल्स प्रोड्यूस द वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देम सेल्स एंड द होल बॉडी। तो इस अमाइनो एसिड की मदद से हमारी सेल जो है, हमारे बॉडी को और सेल को जिस प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन तैयार करती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हमने पहले चैप्टर में पहले ही पढ़ा है। तो अलग अलग तरह के, यानी कि 20 अमाइनो एसिड से, और इस अमाइनो एसिड से प्रोटीन हमारे सेल के अंदर तैयार होता है। तो अलग अलग सेल की प्रोटीन की जरूरत होती है, अलग अलग ऑर्गन्स की प्रोटीन की जरूरत अलग अलग होती है, और उस तरह से प्रोटीन अमाइनो एसिड से तैयार की जाती है। तो हियर इज द चार्ट इन विच different types of cells and organs produces the various types of proteins in our body। तो पहले हम स्किन से शुरू करेंगे। तो स्किन के अंदर जो है मेलानिन और केराटिन, केराटिन जो है ये डेड प्रोटीन होता है बच्चों, स्पेशली इट इज प्रेजेंट इन द नेल्स एंड हेयर्स, हमारे नाखून और बाल जो होते हैं इसके अंदर ये केराटिन होता है, ये डेड प्रोटीन होता है। और मेलानिन जो है हमारे स्किन जो है, स्किन सेल में मेलानिन नाम का प्रोटीन तैयार होता है, जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है उनकी जिस स्किन है वो डार्क होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को रेजिस्ट करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, और जिनमें मेलानिन कम होता है वो फेयर होते हैं। देन सेकंड इज बोन, द बोन्स आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड स्केलेटन ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन एंड इट कंटेन्स द फॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन ओसिन। तो बोन्स जो है ओसिन नाम का प्रोटीन तैयार करता है। देन सेल्स, वेरियस टाइप ऑफ सेल, तो सेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में जो सेल होते हैं वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स तैयार करते हैं, लेकिन हर एक सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो प्रोटीन्स लगता है वो प्रोटीन हर एक सेल बनाती है, और अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रोटीन, अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी तैयार करती है, हर सेल तैयार करती है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स आर द प्रोटीन, एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स जो है दीज आर द कैटेलिस्ट ऑफ अवर बॉडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम जो है वो कैटेलिस्ट का काम करते हैं। कैटेलिस्ट के बारे में हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है, कैटेलिस्ट आर द सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनका स्पीड बढ़ाने का काम ये एंजाइम्स करते हैं। देयरफॉर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट द ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो सभी एंजाइम्स ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स का कैटेलिस्ट का काम नहीं करते, इसलिए सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं। अब देखिए बच्चों पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन और ट्रिप्सिन तैयार करता है। इंसुलिन ये हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये डाइजेस्टिव जूस है, और ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन का कन्वर्शन अमाइनो एसिड में करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये काम करता है। तो इंसुलिन और ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन होते हैं। और देखिए बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स तैयार करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेशली स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तैयार करते हैं, और ये स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड है उस ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं उनका हार्मोन तैयार करने के लिए। तो ये जो हार्मोन्स है ये प्रोटीन ही होते हैं। तो मसल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सभी जगह पे मसल्स है, ऑर्गन्स के अंदर मसल्स सेल होते हैं। तो ये जो मसल्स है, मसल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन दीज आर द फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स, और हमारे बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, अब देखिए मेरे उंगलियों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन, तो इसके अंदर मसल्स है, और मसल सेल्स जो है इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन ये प्रोटीन है, और ये मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब देखिए ब्लड, ब्लड के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज ये प्रोटीन होता है। तो ब्लड सेल हीमोग्लोबिन और एंटीबायोटिक्स एंड बॉडीज तैयार करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम हमें पता है, इट कैन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड एंटीबायोटिक्स
gives the immunity and it can fights with the different types of germs in our body. तो बच्चों ये थे हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स और कुछ ऑर्गन्स जिसके अंदर तैयार होने वाले अलग अलग प्रोटीन्स जो थे, इसके बारे में हमने पढ़ा है. अब जो प्रोटीन होता है बच्चों, तो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन जो प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर आते हैं, तो सेल के अंदर अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड जो है वो वैसे की ऐसे सेल के अंदर रहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं. तो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहते, एंड दीज एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इन टू द अमोनिया inside the liver and they are eliminated in from the body through the urine. तो extra amino acid जो है urine के form में हमारे body से बाहर फेंक दिए जाते हैं. लेकिन some essential condition में जो amino acid जो होते हैं, तो excess of proteins जो है इसका conversion जो है glucose में किया जाता है. तो इस process को कहा जाता है gluconeogenesis. तो gluconeogenesis क्या होती है? It is the process of conversion of amino acids into the glucose. तो एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी कि प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, उसका कन्वर्शन पहले ग्लूकोज के अंदर होता है और फिर ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, और जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है. आगे समझ में बच्चों. अब देखिए बच्चों, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीन्स तैयार होते हैं. प्लांट प्रोटीन इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है. तो प्रोटीन जो है प्लांट्स कैसे बनाती है? तो प्लांट प्रोड्यूसेस द नेसेसरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द मिनरल्स. दैट नेम ऑफ मिनरल इज डिनोवो. तो डिनो नाम का मिनरल जो है, उस मिनरल की मदद से प्लांट जो है अमाइनो एसिड बनाती है, और फ्रॉम दैट अमाइनो एसिड्स द प्लांट प्रोड्यूसेस द डिफरेंट प्रोटीन्स. तो एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को. तो एंजाइम रूबिस्को विच इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस एंजाइम रूबिस्को इज द मोस्ट अबाउंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द नेचर. तो हमारे नेचर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है रूबिस्को, और ये रूबिस्को प्रोटीन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों. अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में. फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स. तो लिपिड्स जो है इसे हम फैट्स भी कहते हैं. तो फैट्स या लिपिड जो है हमें कहां से मिलते हैं? विच आर द सोर्सेस ऑफ लिपिड. तो लिपिड के सोर्सेज जो है बटर, चीज, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क एंड ऑयली फूड आइटम्स, दे प्रोवाइड्स अस द लिपिड्स और फैट्स. तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है इससे हमें सबसे ज्यादा लिपिड्स या फैट्स मिलते हैं, और ऑयल जो है हमारे खाने के अंदर होता है, कोकोनट जो है इससे, और ऑयली सीड जो है इससे भी हमें लिपिड्स मिलते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसके अंदर भी लिपिड्स विपुल मात्रा में होता है. तो लिपिड्स का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? जैसे आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए होते, तो लिपिड्स किससे बने होते? तो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए होते बच्चों. लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. तो लिपिड जो है वो फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए थे. तो फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, एंड देन इट इज कॉल्ड एज लिपिड. तो फैटी एसिड और लिपिड एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से जब जुड़ते हैं तो उसे लिपिड्स या फैट कहा जाता है. और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हम लिपिड्स लेते हैं खाने के अंदर, तो उस लिपिड का कन्वर्शन किसमें होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो इसमें फैटी एसिड जो है ये हमारे बॉडी को बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड व्हाट एवर आफ्टर द डाइजेशन दिस फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी. तो ये फैटी एसिड जो है हमारे हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है ब्लड के थ्रू, एंड फ्रॉम दोज फैटी एसिड द डिफरेंट सेल प्रोड्यूसेस द वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देम सेल. तो सेल के अंदर फैटी एसिड पहुंचने के बाद उस फैटी एसिड से कुछ जो है इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हमारी सेल तैयार करती है. कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस तैयार करते हैं? तो एक तो होता है फॉस्फोलिपिड्स. तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यानी कि हमारे सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो फॉस्फोलिपिड्स से बनाया जाता है, और फॉस्फोलिपिड्स को बनाने के लिए फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है. तो इसके साथ साथ जो है देयर आर कुछ हार्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स है. तो हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द
लिपिड्स। तो लिपिड्स की मदद से हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स है बच्चों? तो ये हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड अल्डोस्टेरॉन। तो इसमें से प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरॉन एंड अल्डोस्टेरॉन ये जो है मेल सेक्स हार्मोन होते हैं। तो ये सेक्स हार्मोन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द प्यूबर्टी एंड चेंजेस इन अवर बॉडी एंड इट मेंटेन्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। तो ये सभी हार्मोन जो है इसको बनाने के लिए फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है। बिसाइड दैट, इसके साथ साथ द फैटी एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कवरिंग अराउंड द नर्व एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल। तो नर्व सेल का ये जो पार्ट है, दिस इज द एक्सॉन, ये एक्सॉन है। अब एक्सॉन के ऊपर जो ये कवरिंग दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीत। और ये जो माइलिन शीत होती है, तो ये माइलिन शीत को बनाने के लिए जो है वो फैटी एसिड की जरूरत होती है। देयरफॉर द फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिपिड्स। और ये फैटी एसिड जो है हमें लिपिड से मिलती है। और बच्चों लिपिड्स जो है इससे हमें एनर्जी भी मिलती है। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड वी गेट द 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम लिपिड से हमारे बॉडी को मिलती है 9 किलो कैलोरी। तो जो एज द कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, द लिपिड्स गिव्स अस मोर एनर्जी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के तुलना में 1 ग्राम लिपिड से हमें डबल एनर्जी मिलती है, 9 ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, लेकिन 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो एक्सेस ऑफ लिपिड जो है, ज्यादा का लिपिड जो है, फैटी एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर हर एक जगह में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, विद इन द बोन मैरो एंड इन द ब्रेस्ट। तो इस जगह पे एडिपोज टिश्यू में होते हैं, और इस एडिपोज टिश्यू में एक्स्ट्रा फैटी एसिड जो है और लिपिड जो है वो स्टोर्ड होते हैं। और ज्यादा लिपिड्स खाने में लेना ये भी हमारे बॉडी को हानिकारक होता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में ज्यादा लिपिड्स अगर स्टोर हो जाएंगे तो इससे मोटापा बढ़ता है। और एक काम जो है हमारे लिपिड्स का क्या है, इट प्रोवाइड द इंसुलेशन टू आवर बॉडी, जो है ठंडी से ये हमारे बॉडी का संरक्षण करता है। अब जो है बच्चों नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मेनी टाइम्स यू कैनॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू द इंफ्लेमेशन अल्सरेशन इन द माउथ, व्हाई? बहुत बार जो है हमारे मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हम गर्म खाना या तीखा खाना नहीं खा पाते। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों? What is the reason behind it? Sometimes some person experience difficulty in night vision since their childhood or adolescence. तो कुछ बच्चे जो है उनको दिन में तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन रात को अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से आता है? तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है, दिस प्रॉब्लम्स आर अराइजेस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ऑन अवर बॉडी। तो देयरफॉर द विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर अवर बॉडी। तो विटामिन जो है हमारी बॉडी को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन इज कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को लगते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल्स जो है ये कम मात्रा में लगते हैं, इसीलिए उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। विटामिन हमारे बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में लगता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारे डाइट्स के अंदर विटामिन होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन? वी गेट द विटामिन फ्रॉम द फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और हरी सब्जियों से हमारे बॉडी को विटामिन मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स से भी विटामिन मिलते हैं, मिल्क से भी विटामिन मिलता है, एग से भी विटामिन मिलती है। तो ये विटामिन हमारे बॉडी में जो है, इसीलिए हमारे फूड के अंदर विटामिन रिच फूड जो है वो हमें खाना चाहिए। अब विटामिन देखिए बच्चों, देयर आर टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन जो है, देयर आर मेन 6 टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन 6 प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसमें जो है विटामिन बे जो है ये ग्रुप ऑफ विटामिन बी, इसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सभी ग्रुप ऑफ विटामिन कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअली विटामिन जो है इसके 2 ग्रुप होते हैं, पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन।
तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ये सभी जो है वो फैट सोल्युबल विटामिन है, और विटामिन बी एंड सी जो है ये वाटर सोल्युबल विटामिन है। विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्युबल होने की वजह से ये एक्सेस ऑफ विटामिन बी एंड सी हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, ये एलिमिनेट किया जाता है, लेकिन ए डी ई के हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड होते हैं क्योंकि फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो इसेंशियल प्रोसेस है वो व्यवस्थित काम करना चाहिए, इसके लिए विटामिन की जरूरत होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एंजाइम्स फ्रॉम NADH2 एंड FADH2, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजिनेज, ये जो है एंजाइम्स बहुत जरूरी है जिससे ATP तैयार होते हैं, और ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा है। तो राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FADH2 एंड द विटामिन निकोटिनामाइड दैट इज द B5 इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADH2। तो FADH2 और NADH2 जिससे हमारे बॉडी के अंदर ATP मॉलिक्यूल्स तैयार होने के लिए इनकी मदद होती है, तो ये जो है ये तैयार होने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है। तो बच्चों ये है विटामिन्स का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी के अंदर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ जो है सेंटेंसेस है इसका अर्थ हमें समझना है। पहला देखिए, मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन आवर माउथ, बहुत बार जो है हमारा मुंह सूख जाता है, गला जो है गला सूख जाता है। तो किसकी वजह से गला सूख जाता है, बहुत देर से अगर हम पानी नहीं पीते, गर्मी के दिनों में ऐसा बहुत बार होता है, ड्राइनेस, वी फील द ड्राइनेस इन आवर माउथ एंड थ्रोट्स। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दैट इज द सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन इज फ्रीक्वेंटली गिवन टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग द लूज मोशन। तो जिस व्यक्ति को लूज मोशन हो जाता है उस व्यक्ति को हम ORS सॉल्यूशन पिलाते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये क्यों पिलाते हैं बच्चों, क्योंकि लूज मोशन के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी से पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर जाता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS सॉल्यूशन दिया जाता है, जिसके अंदर सॉल्ट, शुगर और वाटर होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट की मात्रा कायम होती है। वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या समर के दिनों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि देखिए बच्चों ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, और जब पसीना बाहर निकलता है तब जाके हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर वो मेंटेन होता है, और उसके साथ साथ पसीने से हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो भी बाहर निकलता है। तो इन सभी डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि वाटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। देयरफॉर वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, वाटर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो कहा गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हमारे बॉडी को जरूरी है, उसकी तरह वाटर भी हमारे बॉडी को जरूरी है। तो सही मात्रा में पानी हमें पीना चाहिए, पानी को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों अवर बॉडी contains 65-70% of water in our body। तो हमारे बॉडी के अंदर 65-70% जो है, 65-75% जो है हमारे बॉडी के अंदर पूरा पानी ही होता है। तो ईच एंड एवरी सेल इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर बाय द वेट। तो हर एक सेल जो है वेट के हिसाब से उसमें 70% वाटर है। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर सेल का वेट 100 ग्राम है तो उसमें 70 ग्राम पानी होगा, और 30 ग्राम जो है बाकी के जो है वो सेल ऑर्गेनलीज या कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं। वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, देखिए, फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय द होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हेंस वाटर इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे बॉडी में जो पानी है 65-70% होना चाहिए, उससे अगर पानी हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन और लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारा बराबर काम नहीं करती है, तो ये हमारे बॉडी को घातक हो सकता है, इसीलिए वाटर को एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा गया है। तो इसके साथ साथ जो है बच्चों,
फाइबर आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो फाइबर को भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा गया है। तो फाइबर जो होता है जिसे रफेज भी कहा जाता है, तो रफेज जो है एक्चुअली द फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वी कैनॉट डाइजेस्ट फाइबर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइबर का डाइजेशन नहीं होता, उसका पचन नहीं होता है। बट हाउ एवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो फाइबर है, फाइबर का हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन बाकी पदार्थों का डाइजेशन होने के लिए हमारे डाइट के अंदर फाइबर होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो स्टूल तैयार होता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी से जो बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो ये स्टूल तैयार करने के लिए, सॉफ्ट स्टूल तैयार होने के लिए फाइबर्स की बहुत ही मदद होती है। अगर फाइबर्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे बॉडी के अंदर होगी, और कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा हो गए तो उससे बहुत गंभीर समस्या होती है। तो देयरफॉर फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइबर किससे मिलते हैं बच्चों? वी गेट द फाइबर्स फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरल्स। तो सीरल्स से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट से हमें फाइबर्स मिलते हैं। आ गया बच्चों समझ में? तो ये था हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और फाइबर्स के बारे में। अब कुछ जो है इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, इसकी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से कलेक्ट कीजिए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बच्चों? आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे दिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस एंड रिकेट्स। तो नाइट ब्लाइंडनेस और रिकेट्स जो है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण, ये दोनों विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होती है, और रिकेट्स जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? उसके साथ साथ बेरी बेरी विटामिन बी की कमतरता की वजह से होती है, न्यूट्रिटिस, पैलेग्रा, एनेमिया, स्कर्वी, तो ये सभी जो है ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स की वजह से, इसके सिम्टम्स आपको इंटरनेट से ढूंढना है। सेकंड देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन कोएंजाइम्स क्या होते हैं इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। फाइंड आउट द फुल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, जैसे एनएडीएच का, एफएडीएच का फुल फॉर्म मैंने बताया, तो एफएडी, एफएमएन, एनएडी, एनएडीपी, इसका फुल फॉर्म आपको ढूंढना है। एंड फोर्थ इज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे, तो हर एक विटामिन जो है हमारे बॉडी में कितनी मात्रा में चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन आपको ये नेट से ईजिली मिल जाएगी, इसीलिए मैं आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताना चाहता हूं। यू हैव टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन यूर सेल्फ। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर और फाइबर्स और इनके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।